आइए आपको एक बड़ी खबर से अवगत करवाते हैं। साइबर क्राइम से होने वाली ठगी से जनता को जागरूक करने के लिए और ऐसे धोखेबाजों से सतर्क रहने के लिए आज मंगलवार 30 जनवरी को एसपी कार्यालय में एसपी चन्ना बसवन्ना एसएल ने केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान से बात करते हुए बीदर की जनता से एक बड़ा खुलासा किया और लोगों को साइबर क्राइम और धोखाधड़ी से बचने की अपील की। दरअसल ये पूरा मामला साइबर क्राइम, जिसे फिशिंग स्कैम भी कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। बड़ी खबर यह है कि फेसबुक पर मैसेंजर के जरिए बीदर एसपी के नाम से लोगों को सोशल मीडिया पर स्कैमर खुद को सीआरपीएफ जवान बताकर और खुद को बीदर एसपी का मित्र बताकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की सूचना आज केपी न्यूज को मिलने के बाद केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान ने एसपी चन्ना बसवन्ना से मुलाकात की, जिसके बाद एसपी ने इस ठगी के संबंध में केपी न्यूज के माध्यम से लोगों से इस तरह के मैसेजों और फोन कॉल से सतर्क रहने की अपील की और कहा कि इस तरह के मैसेजों और फोन पर ध्यान न दें और इस संबंध में सतर्क रहें और दूसरों को भी इस संबंध में जानकारी दें। अगर ऐसा कुछ होता है तो पुलिस से संपर्क करें। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन पप्पूराज का विशेष कवरेज। आजकल जो है सोशल मीडिया में, जैसे फेसबुक हो या ट्विटर हो, तो ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स में जो है फेक अकाउंट्स आजकल किए जाते हैं। इसमें जाने माने हस्तियों का भी करते हैं और पुलिस ऑफिसर्स और अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का भी करते हैं, या डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल फेसबुक है वैसे ही एक फेक आईडीज़ वगैरह क्रिएट करके फिर जो उसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो लोग क्या है कि ऑफिशियल वेब पेज है समझ के उसमें फ्रेंड बनते हैं, तो बाद में उनमें मैसेंजर्स के थ्रू जो है उनको रिक्वेस्ट भेजते हैं या कुछ मैसेजेस भेजते हैं कि बताते हैं कि हम ऐसे इनके दोस्त हैं, ऑफिसर्स के दोस्त हैं, तो आपको जो है कुछ फर्नीचर वगैरह, हम जो हम भी पैरामिलिट्री फोर्स या कोई फोर्स में काम करते हैं और आपको ऐसे फर्नीचर्स जो हैं हम बहुत कम पैसे में बेच के जाना चाहते हैं, ऐसे कुछ मैसेज भेजते हैं या कुछ अर्जेंट हमें पैसे दीजिए करके भी बोलते हैं। तो ऐसे हमारे नज़र में भी आया है कि एसपी बीदर का जो ऑफिशियल पेज है वो ऐसा उसका जो है एक अल्टरनेट जो फेक आईडी क्रिएट करते हैं कुछ और दूसरा ईमेल आईडी से, तो ऐसे चीज़ों में हम फेसबुक को भी रिपोर्ट किए हैं और बहुत सारे बार क्लोज़र भी कराए हैं ऐसे जो चीज़ें हैं, एंड हमारा टेक्निकल टीम इसके ऊपर भी काम कर रहा है। फिलहाल मैं सब जनता से यही मैं गुजारिश करता हूं कि 15 जनवरी का जो हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है उसमें भी मैंने डिटेल्स डाला था कि इन से ऐसे चीज़ों पे जो है आप सतर्क रहिए और एसपी बीदर कभी भी कोई भी किसी नागरिक को ऐसे चीज़ों पे मैसेजेस हम नहीं करते। इट्स अ वेरी प्रोफेशनल जो है फेसबुक पेज है, वहाँ पर सिर्फ जो है बीदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो अच्छा काम करती है उन चीज़ों के बारे में वहाँ पे हम पोस्ट करते हैं और लोगों का भी उस उन चीज़ों के ऊपर जो अपना राय है या कुछ सजेशंस है उन चीज़ों के ऊपर हम जो है कार्रवाई करते हैं, उन चीज़ों को हम अपना पुलिसिंग में ऐड करते हैं। उसके अलावा कोई नागरिक को कोई हमारा जो ऑफिशियल पेज है उससे कोई तरह का किसी का फर्नीचर वगैरह ऐसे या पैसे देने के लिए या पैसे के मांग करने का इन सारी चीज़ों का हम कोई भी जिक्र नहीं करते। इसलिए आप उन सच मैसेंजेस में कोई भी आप जो है अपना डिटेल्स भी मत दीजिए और उन चीज़ों को आप इग्नोर कीजिए। अगर कुछ ऐसे आता है तो हमारे कंट्रोल रूम है उसमें आप पोस्ट कीजिए, नहीं तो हमारे फेसबुक पोस्ट पेज में ही आप पोस्ट कर सकते हैं कि ऐसे आ रहा है करके, तो हम वहीं पे जो है उसका भी आपको रिप्लाई दे देंगे और उन चीज़ों को हमारा टेक्निकल टीम जो है फॉलोअप करेगा। हाँ, उस पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं, तो वो भी हमें ही आता है फिर लौट के। तो इसमें क्या है, एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम, फेसबुक का प्रोफाइल लॉक कर सकते हैं, लेकिन प्रोफाइल लॉक करने से क्या है पब्लिक को जो है फिर एक्सेस करना मुश्किल हो जाएगा और पब्लिक को जो है जो ऑफिशियल पेज में हम जो पोस्ट कर रहे हैं वो उनको उन तक नहीं पहुंचता, इसलिए हमने जो है वो प्रोफाइल लॉक नहीं किया है अभी। इसलिए उसका जो है वो मिसयूज़ करके कुछ लोग जो हैं ऐसे करते रहते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन फ्रॉड, लेकिन रूरल एरियाज़ में लोग नहीं जानते हैं, इसलिए मैं जो है माध्यम के थ्रू से जो है मीडिया के थ्रू से मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि पुलिस, बीदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस किसी से भी कुछ भी पर्सनल या
प्राइवेट कोई मैसेजेस हम नहीं करते हैं, मैसेंजर्स हम नहीं यूज़ करते हैं। सिर्फ जो बीदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो काम कर रही है वो जनता तक पहुंचाने के लिए हम ये ज़रिया यूज़ करके फेसबुक में जो है अच्छी चीज़ें जो है वो पोस्ट करते हैं, और पब्लिक का जो और भी अच्छा पुलिसिंग हो बीदर डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए उनका सपोर्ट मांगते हुए उनका राय सजेशंस वगैरह जो है हम उनमें कमेंट बॉक्स में जो डालते हैं उनको हम उनके ऊपर जो है हम कार्रवाई करते हैं। सर, ये फिशिंग स्कैम बढ़ता जा रहा है सर, तो इसके अवेयरनेस के लिए पब्लिक के लिए यस अभी हमारा जो साइबर क्राइम यूनिट है हम अभी कुछ वीडियोस बना रहे हैं जो अवेयरनेस के वीडियोस हैं, तो अभी शॉर्टली हम उनको रिलीज़ करेंगे और मीडिया को भी हम देंगे और पब्लिक को भी हम देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों को जो है पहुँचाया जाए। वो हम लोकल लैंग्वेज में कर रहे हैं, जो हम बीदर का जो यहाँ का अलग ही एक डायलेक्ट भी है कन्नड़ का, तो उस लैंग्वेज में भी हम उसको कर रहे हैं, सो दैट रूरल एरियाज में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये साइबर फ्रॉड के बारे में पता चले। थैंक यू।